एम्बुलेंस में ऑक्सीजन के अभाव में रोगी की मौत। नगर परिषद क्षेत्र जाले स्थित रेफरल अस्पताल में शनिवार सुबह 10:30 बजे 61 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत का मामला प्रकाश में आया है। मृतक व्यक्ति की मौत उस दरमियान हुआ जिस समय जाले रेफरल अस्पताल द्वारा एम्बुलेंस से डीएमसीएच रेफर किया गया। जानकारी के हिसाब से मृतक की पहचान मोदी पोखर क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता जगन्नाथ सिंह के रूप में किया गया है। मृतक के पुत्र दीपक कुमार सिंह ने बताया है कि इनके पिता की मौत एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के अभाव के कारण हुआ। पता चला कि रोगी ऑक्सीजन के अभाव के कारण घुटकर दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल की कुव्यवस्था और बड़ी लापरवाही को लेकर इस पर जल्द प्राथमिकी भी दर्ज करने की मांग किया है। वहीं जाले के सामाजिक कार्यकर्ता धीरेन्द्र कपूर, अभय कपूर, राम सागर चौधरी, शशि मिश्रा, मनोज कुमार साह, गोलू कुमार, रोशन कुमार सिंह, राहुल कुमार सिंह, मोनू कुमार सिंह आदि ने बताया है कि जब इस हॉस्पिटल के प्रभारी विवेकानंद झा ही बीमार व रोगियों को सही से इलाज करने तथा व्यवस्था को सुधारने के बदले ऑन ड्यूटी प्राइवेट क्लिनिक चलाएंगे तो यह व्यवस्था कैसे सुधरेगा। वर्तमान में सरकारी व गैर सरकारी पद पर विराजमान लोग इस हॉस्पिटल को लूट खसोट का अड्डा बना हुआ है। वर्तमान में हुई बड़ी लापरवाही को लेकर दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। तो मतलब क्या है, जो है सिलेंडर के अभाव के वजह से, गैस के अभाव की वजह से, तो मतलब जो है डॉक्टर जो है कहाँ, क्या पूरा मामला क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? जब उनकी तबीयत खराब हुई, अंदर ले गए, अंदर ले जाने के बाद ट्रीटमेंट चला तो रिकवर हो रहा था। मैं लोग डॉक्टर लोग जो है ना वो जल्दी जल्दी करने लगे, डीएमसीएच ले जाओ। फिर उन लोगों ने वहाँ से ऑक्सीजन छुड़ाया और पापा का तबीयत गड़बड़ होने लगा। फिर एम्बुलेंस में गए, एम्बुलेंस में जाने के बाद वहाँ ऑक्सीजन उनको मिला नहीं, ऑक्सीजन ख़त्म था उसमें। फिर वो जब तक ऑक्सीजन लेके आता लगभग 10-15 मिनट लग गया। उपस्थित हमारे डॉक्टर साहब के द्वारा या जो प्रभारी है यहाँ के और जिनके द्वारा यह एम्बुलेंस चलाया जा रहा है, जो सामने एम्बुलेंस आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, 60 वर्षीय जोगियारा निवासी श्री जगन्नाथ सिंह की मृत्यु एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण एम्बुलेंस नहीं हो गया। इससे बड़ी लापरवाही और क्या हो सकता है। जब हम लोगों ने हॉस्पिटल प्रशासन से इसके बारे में प्रभारी महोदय से बात किया तो उनका जवाब था कि यह जवाबदेही हमारा नहीं है, स्पष्ट रूप से उन्होंने जवाब दिया। और खाना पूर्ति करने के लिए जो दरभंगा में इनके हेड बैठे हैं उनको उन्होंने एक लेटर लिख करके भेज दिया। और पेशेंट की मृत्यु ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण असामयिक उनका मृत्यु हो गया। डॉक्टर साहब ने जरूर उनका इलाज यहाँ किया लेकिन ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं रहने के कारण ही उसको रखा दिया गया पहले एम्बुलेंस में। जब एम्बुलेंस में पेशेंट आया तो पता चला कि ऑक्सीजन एम्बुलेंस में है ही नहीं लगा हुआ, जिसका स्पष्ट उदाहरण उनके द्वारा निर्गत ये लेटर है जिससे सारा बात प्रतीत हो रहा है। मैं जिला प्रशासन एवं सभी सक्षम पदाधिकारी से निवेदन करता हूं कि दोषी लोगों को दंडित किया जाए और उनको सस्पेंड किया जाए, नहीं तो हम लोग आमरण अनशन करने के लिए यहाँ बाध्य होंगे। हम लोगों ने उनके विरुद्ध पेशेंट के परिजन के द्वारा FIR लॉन्च करने जा रहे हैं, जो बहुत जल्दी ही हो जाएगा क्योंकि आज उनका देहांत हो गया है। हम लोग दाह संस्कार में लगे हुए हैं और जल्दी से इनके विरुद्ध FIR लॉन्च किया जाएगा। इसी संबंध में रोगी कल्याण समिति